सरकार के कान तक आवाज कैसे पहुंचेगी भाई, जब सदन में ही नहीं जाएंगे मुख्यमंत्री, जब सदन में क्वेश्चन आंसर ही नहीं होंगे, बातें नहीं उठाई जाएंगी, तो फिर निश्चित रूप से देखिए, ये केवल लतुल जी समाजवादी की सरकार का मामला नहीं, नहीं, नहीं मैं पिछले 20 वर्ष के टाइम की बात कर रहा हूं। मैंने इसीलिए कहा, 20-25 वर्ष का मेरा अनुभव बताता है। मैं वही कहने जा रहा हूं कि कई दशक से ऐसा हो रहा है, हाउस का दुर्भाग्य है, जहां तक मैं देख रहा हूं, मैं भी विधायक के रूप में वहां बैठता रहा हूं, मैंने देखा है हाउस में ऐसे विधायक चुन करके आ रहे हैं। मैं किसी दल की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे विधायक चुन के आ रहे हैं। एक बार तो हुकुम सिंह जी हमारे साथ रहे हैं, एक बार तो ऐसी चर्चा आई, मैं मंत्री था, अपने सचिवालय में बैठा था और कुछ आ गए, एक विधायक जी आ गए, तो मैंने कहा कोई विधायिका का मामला आप लाइए, तो विधायिका का मतलब वो फीमेल एमएलए से समझा, और वो विधायक था जिसको मतलब मुझे सुनकर ताजुब हुआ कि वो विधायिका का मतलब वो विधायिका नहीं समझ रहा है, वो समझ रहा है फीमेल एमएलए। तो बड़ा आश्चर्य होता है, ऐसे ऐसे लोग चुन करके आते हैं। और ये बिल्कुल सच है कि हाउस में, जैसे हुकुम सिंह जी भाई साहब ने कहा कि हाउस में अब लोग वक्ता ही नहीं है, बोल ही नहीं पाते हैं, और जो वहां बहस होती है केवल ताली बजाने के अलावा उनको ज्ञान नहीं है, और बहुत लोग तो सोते रहते हैं क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है। तो ये दुर्भाग्य है हाउस का। और जैसे जिसकी गवर्नमेंट होती है, जो बिल पास कराना है, विपक्ष बोलता रहता कि बहस कराइए ये कराइए, लेकिन नहीं कराते। नहीं तो समाजवादी पार्टी इन परंपराओं को बदल देना, इन परंपराओं को बदलने में। देखिए रामाश्रय जी, लोकसभा में मैं देखता हूँ सांसदगण, माननीय सांसदगण जो जनता के वोट से जीत कर आते हैं, वो केंद्रीय कक्ष में 1 रुपए में मिलने वाला अंजीर का जूस पीते रहते हैं और घंटी बजती रहती है कोरम की, हाउस में नहीं आते अंदर जी। किस लिए चुन के आए ये मुझे कोई बताए। और आपकी सरकार किस लिए, और आपकी सरकार इस परसेप्शन को बदल क्यों नहीं देती? नौजवान मुख्यमंत्री हैं, विजनरी हैं, इतना सकारात्मक ऊर्जा से लवरेज नजर आते हैं वो, हालांकि 10 महीनों में उनकी सकारात्मक ऊर्जा की जो बानगी अलग अलग जगहों पर अपराधियों और तमाम जगहों ने डेंट लगाया उनकी ऊर्जा को, एक ये अच्छा काम कर दें, जो कमियां बता रहे हैं उनको दूर किया जा सके। अब आप बात सुनिए अतुल जी, हमारी गवर्नमेंट जब से आई है उत्तर प्रदेश में, जब से समाजवादी की सरकार आई है, मुझे लगता है आप ये दिन गिनेंगे तो अब तक बहुत सारे दिन आप गिन लेंगे, काफी लंबा हाउस चल चुका है, और पिछली गवर्नमेंट में तो 13 दिन चला, आप खुद बता रहे हैं कि एक हुकुम सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हुकुम सिंह जी आप पर कुछ टिप्पणी करना चाह रहे हैं जी। हुकुम सिंह जी मैं ये कहना चाहूंगा, आप बदलने की बात कर रहे हैं, बदलते क्यों नहीं, पहले हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, हाउस तो तब बदलेगा। ठीक बात है, अगर नेता सदन के रूप में मैं नहीं बदल सकता, नेता प्रतिपक्ष के रूप में मैं नहीं बदल सकता, मेरी प्राथमिकता साफ नहीं है, स्पष्ट नहीं है, मैं चाहता क्या हूं, तो हम हाउस को कैसे बदल देंगे? हाउस आज केवल एक बंधवा मजदूर होकर के रह गया हमारा कि इसके माध्यम से हमें ये काम कराने हैं, बस इससे अधिक उपयोगिता हाउस की नहीं रह पाई है। आप बजट की बात करते हैं, आप विधायी कार्य की बात करते हैं, आप पुराना रिकॉर्ड देख लीजिए, किस विधेयक पर कितनी घंटे चर्चा हुई, आधे आधे घंटे में 3-3 विधेयक पास किए जाते हैं, हम उस पर आपत्ति करते हैं, हमारी आपत्ति पे विचार नहीं होता है, हम कहते हैं क्यों नहीं आप इन नवयुवकों को मजबूर करते पढ़ने के लिए, क्यों नहीं इनको लाइन पर लगाते हैं कि इस विधेयक को समझें। और मैं निश्चित रूप से कहता हूं, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता, जो मंत्री उस विधेयक को प्रस्तुत कर रहा है, अगर मैं उससे सवाल कर लूं कि आप इस विधेयक का मकसद बता दीजिए, इसका उद्देश्य बता दीजिए, नहीं पता होगा, शायद ही गिने चुने कुछ मंत्री होंगे जो बता पाएंगे, उसको भी खुद पता नहीं है, फिर कैसे अपेक्षा कर लेंगे आप? जी, हमने प्रदीप माथुर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सभा की प्रदीप माथुर जुड़ गए हमारे साथ, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। माथुर जी, 125 वर्षों का जश्न हम मना रहे हैं, हम परिपक्वता की बात कर रहे हैं, विधानसभा विधानमंडल के सम्मान की बात कर रहे हैं, ये कैसा गौरव है भाई, केक के बाद एक तमाम ऐसी चीजें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी इसी सदन में। देखिए ऐसा है कि उस गौरवशाली अतीत को मनाना कोई गलत बात नहीं है, हाँ,
परंतु वर्तमान को सही करना एक आवश्यक कदम है। बहुत अच्छी बात है। हाँ। और स्थिति यह है कि आज कम से कम 3 दिनों में हमने विधानसभा में यह देखा कि इस मुद्दे पे तो पक्ष और विपक्ष एक हुए, और बहुत दिनों बाद माननीय राज्यपाल जी का भाषण हम लोगों ने सुना। वरना जब भी वो विधानसभा में आते, सरकार किसी की भी रही हो, विपक्ष ने हमेशा उनको 1 मिनट पहली लाइन और आखिरी लाइन बोलने का मौका दिया, और फिर वो हूटिंग होती थी और गवर्नर साहब वापस चले जाते थे। आज स्थिति यह है कि कम से कम इस कार्यक्रम के बाद हमें, इस कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल का भाषण सुना, इस कार्यक्रम की हम बुरी बुरी प्रशंसा करेंगे, नेगेटिव अप्रोच इसलिए नहीं रखेंगे कि कम से कम इसमें इनिशिएटिव लिया गया और हम लोगों ने अपने अतीत को वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए चर्चा करी, परिचर्चा करी, कुछ प्रमुख नेताओं ने अपने विचार विमर्श किए, महामहिम राष्ट्रपति जी आए, उनके विचार सुनने को मिले जी। और एक बहुत सुंदर माहौल बना जी। पर यह आवश्यकता है भविष्य को देखते हुए कि हमें यदि जनहित में काम करने हैं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी का लाभ किसी को भी नहीं उठाना चाहिए। आज किसी भी मुद्दे पर कोई हेल्दी चर्चा नहीं होती, भागीदारी नहीं होती, और बस बात बात में कभी हम लोग वेल में आ जाते हैं तो कभी वो 2 मिनट में सब कुछ पास करा देते हैं, ठीक है, बजट 15 मिनट में पास हो जाता है। परंतु अब की बार एक अच्छे समय में हमारा बजट पास हुआ, लोगों को बोलने का मौका दिया। हम लोगों ने बार बार इस वर्तमान सरकार से यही अनुरोध कर रहे हैं कि कम से कम 60 दिन तो विधानसभा चले। ठीक बात है। नहीं तो नहीं, और कम से कम, अरे 60 दिन क्यों, 90 दिन चलना चाहिए, 90 दिन चलना चाहिए ना भाई। आप एक स्टूडेंट अगर कक्षा में कम दिनों में जाए तो आप शॉर्ट अटेंडेंस बता के उसको परीक्षा में बैठने से रोक दो, और यहाँ पे छूट कि पूरे साल घूमिए यत्र तत्र सर्वत्र। जी गोविंदपंत राजू जी, ये गजब का चलन है। कक्षा में तो ऐसा होए, फिर छात्र बदमाशी करें तो सजा होए, विधायकों के साथ क्या होए भाई। आपको तो और प्रतिमान आदर्श तय करने चाहिए, आप रोल मॉडल होते हैं। नहीं, मुझे लगता है अतुल, इसमें जो जो नियमावली का जो फायदा लिया गया है, नियमावली में एक शब्द है सामान्यतया ये साल में 90 दिन की बैठक होनी चाहिए। उस सामान्यतया का इस्तेमाल ऐसे मान लिया गया है कि अगर ना भी हो तो कोई परवाह नहीं, और हाल के वर्षों में ये सिलसिला लगातार बढ़ता चला गया है, और जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनका सम्मान करने की जो भावना है, वो सिर्फ मैं विधायकों को उसके लिए दोषी नहीं दे रहा हूं, सदन चलाने वाले लोग, सदन चलाने वाली सरकारें, वो भी उसके लिए उतनी ही जिम्मेदार हैं। हम लोगों ने अभी हाल के इतिहास में देखा है उत्तर प्रदेश विधानसभा, जिसके बारे में ये भी उसका इतिहास है कि विधानसभा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सारे जजेस को गिरफ्तार करके अवमानना के एक मामले पर गिरफ्तार करके अदालत विधानसभा के सामने प्रस्तुत करने का तक आदेश दिया था। ऐसी विधानसभा के अध्यक्ष अपनी मुख्यमंत्री के आगे नतमस्तक हो जाएं, उनको रिसीव करने के लिए मुख्यमंत्री के स्वागत में अपने कक्ष से बाहर चले जाएं, ऐसा इतिहास भी इस विधानसभा ने देखा है। तो अवमूल्यन हर स्तर में हो रहा है, और वो अवमूल्यन नहीं होना चाहिए, ये आज की चिंता थी। आज खुद महामहिम ने जो अपना संबोधन किया उसमें उन्होंने जो प्रणब मुखर्जी ने जो सबसे बड़ा सवाल उठाया था उसमें इसी सवाल को उन्होंने रेखांकित किया था कि लाखों रुपए का जो खर्च इन सदनों को चलाने में होता है, जनता की इतनी गाड़ी कमाई का जो खर्च होता है, तो ये जिम्मेदारी हर सदन के सदस्य की है कि वो यहां पर आए, अपनी बात जिम्मेदारी से रखे और अपनी बात को गंभीरता से, जो जनता के लिए उसकी जवाबदेही है उस जवाबदेही को यहां पर प्रदर्शित करे। हुकुम सिंह जी, फाइनल कमेंट, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, जवाबदेही जिम्मेदारी कौन तय करेगा? का एहसास हो जाएगा जो मैं बताता हूं, ये होना जो आपने कहा, मैं कहता हूं कि 90 दिन का सत्र एक बार शुरू कर दीजिए आप। मजबूर हो जाएंगे लोग पढ़ने के लिए, मजबूर हो जाएंगे लोग बोलने के लिए, मजबूर हो जाएंगे लोग अपने विषय को रखने के लिए। अभी जल्दी ये रहती, सबको पता है एक हफ्ते का सत्र है, मेरा नंबर बोलने का आएगा नहीं आएगा वो तैयारी करके नहीं आता। सबसे बेसिक चीज यही है कि 90 दिन का सत्र आप कर दीजिए, और जब कर देंगे कि 90 दिन की सीटिंग कंपल्सरी है तो निश्चित रूप से बदलाव आएगा। दूसरी बात ये, सदन को हम अपना बंधवा ना बनाएं, सदन की गरिमा तब कायम रहेगी जब सदन को हम सम्मान देंगे। सम्मान देने की बात नहीं जो भी अब कही जा रही थी,
जो विधानसभा का अध्यक्ष है वही हमारे अधिकारों का रक्षक है और अध्यक्ष की गरिमा रखने के लिए हमें सम्मान देना होगा उसको, चाहे हम विपक्ष में हो या हम सत्ता पक्ष में होंगे, तब जाएगा लगेगा अध्यक्ष को भी हाँ मेरी कोई मजबूती है। तो मैं चाहता हूं कि आज 125 वर्ष जब पूरे हुए हैं तो उस 125 वर्ष पे संकल्प लेने का मामला है प्रतिपक्ष के लिए भी सत्ता पक्ष के लिए भी कि सदन की गरिमा को बना करके जो अपेक्षाएं हमसे की जाती है जनता जो हमसे उम्मीद कर रही है उन अपेक्षाओं को हम पूरा करेंगे उस पर खरा उतरेंगे, यही मैं चाहता हूं। रामाश्री जी ऐसा होगा क्या, ऐसा होता हुआ देख पाएंगे क्या हम? देखिए निश्चित रूप से यदि सदन की गरिमा को बनाए रखना है तो जो पुरानी रीत रिवाज से चला आ रहा है तो गरिमा नहीं बचेगी। जैसा हुकुम सिंह जी ने कहा है बिल्कुल सच कहा है, एक समय आपको निश्चित करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बिल पेश करना चाहते हैं, अब विपक्ष तो विरोध कर रहा है और बहस करना चाहता है, जो सरकार है उसको एक सेकंड में पास करा लेती है। तो बिल पेश करने के लिए यदि कोई बिल आता है हाउस में तो कम से कम दो दिन एक दिन की बहस का एक टाइम बाउंड कर दिया जाए कि इसके पहले बिल पेश नहीं पास नहीं हो पाएगा। यदि इस तरीके के कुछ यदि नियम बनाए जाएंगे तभी सदन की गरिमा बचेगी, नहीं तो गरिमा बचने का कोई सवाल नहीं उठता है। ठीक है, जब आदमी को मौका मिलेगा बोलने का ठीक है तो MLA पढ़ करके आएगा और अपनी बात को रखने का समय उसको दिया जाएगा और पूरी तरीके से अध्ययन करेगा और उसमें बहस करेगा। ठीक है अमिताभ अग्निहोत्री जी, एक दूसरा एंगल भी मैं यहाँ पर बहुत संक्षेप में चाहूंगा कि आप डिस्कस जरूर करें। जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही है वो कार्रवाई शुरू होती है वो लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाता है, वहां पर दिख जाता है कि साहब कौन सो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कागज फाड़ रहा है, कौन वेल में आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। क्या विधानसभाओं में भी कंपलसरी बेसिस पर पब्लिक के सामने तक ये तमाम प्रसारण मुहैया कराए जाने चाहिए? नहीं, नहीं, इसका ये बड़ी विचित्र तलवार है अतुल। हाँ। इससे नुकसान की संभावना ज्यादा है। हाँ। तब वो ज्यादा उत्पात होने लगेगा वहां। हाँ। कैमरा दिखा तो फिर सब बेलगाम हो जाएंगे। हाँ। फिर हाँ। तो नेताजी तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं के नारा इतनी जोर से लगेगा। हाँ। मुलायम अखिलेश को खुश करने के लिए। हाँ। तो दूसरे लगाएंगे बहन जी तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। जनता देखेगी ना कि क्या कर रहे हैं ये लोग। हम लोगों ने लोकसभा राज्यसभा में देखा स्पीकर चिल्लाती रहती हैं मीरा कुमार और कोई सुनने वाला नहीं होता। हाँ। क्योंकि उनको लगता है कि कम से कम हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग ये तो देख रहे हैं कि भैया चिल्ला रहे हैं। हाँ। और बिल्कुल कुर्ते की बांह चढ़ा के नारा लगा रहे हैं। ये क्या हुआ? नरेश अग्रवाल वर्सेस BSP के एक सांसद थे, उनके बीच में धक्का मुक्की। अगर टेलीकास्ट नहीं होता लाइव तो ये धक्का मुक्की नहीं होती। उससे कम से कम अपने नेता को एक संदेश दिया ना नरेश अग्रवाल ने कि भाई मैं हूँ राइट चॉइस में भी। जनता को मौका तो मिले ना। अरे जनता को मौका तो मिले, हम कर क्या रहे हैं वहां पर? तो इसलिए मुझे लगता है ये नहीं, मैं इस बात से सहमत हूँ। इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का विषय देखे, उन्होंने जिसको चुन करके भेजा था वो क्या कर रहा है वहां पर बैठा हुआ, अवसर मिलना चाहिए। हालांकि इस मामले में उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो सजीव प्रसारण किया जाए इसके बारे में यहाँ पर ये मामला एक तरह से विचाराधीन है और राज्य सरकार और विधानसभा इस बारे में गंभीर है कि क्या ऐसी फिजिबिलिटी ढूंढी जा रही है कि क्या इसको सजीव प्रसारण किया जा सकता है। जी मुन्ना सिंह जी। अतुल जी पहले तो मैं आदरणीय हुकम सिंह जी को प्रणाम कर लूं, राम आश्रय जी को प्रणाम कर लूं। हुकम सिंह जी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही और गोविंद पंत राजू जी ने, दो तीन बातें हैं। नंबर एक बात कि हम 90 दिन सदन चले इस बात की कोई मैंडेटरी प्रोविजन रूल्स में करें। एक हमें यह लगता है अभी राम आश्रय जी ने भी कहा कि सेरिमोनियल ओकेजन्स पे किसी का आपने अभी फोनो भी लिया था, सेरिमोनियल ओकेजन्स में बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं, बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। आज जिस कार्यक्रम की बात हो रही है वो भी एक रसमदायगी थी, लेकिन हम रोजमर्रा के आचरण में सदन को चलाने में उसे लाते हैं कि नहीं, महत्वपूर्ण सवाल यह है। तो सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार जब सदन चले कम से कम जैसे जिस प्रकार से संसद में होता है कि यदि सदन के अंदर बिल्कुल शोर शराबा है, सदन बिल्कुल डिसऑर्डर में है। हाँ। तो कम से कम जिसकी तरफ इशारा किया आदरणीय हुकम सिंह जी ने भी,
कि कम से कम उस अव्यवस्थित स्थिति में सदन का बिजनेस ट्रांजेक्ट ना हो तो सरकार के ऊपर एक दबाव बनेगा कि हमारा बिल पारित नहीं हो पाया, सदन व्यवस्थित तरीके से चले इसके लिए जरूरी है तो समय भी बढ़ाया जाएगा। स्थिति यह बन रही है कि हाई तोबा में आप 10 बिल पारित करा दीजिए, सदन को चलाने की कोई आवश्यकता महसूस करते नहीं है। तभी तो सवाल बड़ा है ना कि जब तक आम लोगों के सामने ये तस्वीर पेश नहीं होगी कि सदन के भीतर कौन काला नीला पीला सफेद हरा कर रहा है, हुकम सिंह तब तक समझ नहीं आएगा ना।